Good morning, students. Welcome to the class. Today I am going to discuss about introduction to drilling and classification of drilling machine and their parts and number of operations followed by drilling machine or done by drilling machine. तो चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है, ड्रिलिंग क्या है, वो आज हम जानेंगे. ठीक है, ड्रिलिंग मशीन और ड्रिल इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस ब्लैंक होल, थ्रू होल और ए सर्टेन डेप्थ ऑफ होल, दैट इज कॉल्ड काउंटर सांक होल, काउंटर बोर, बोर, ऑल दैट. तो द ड्रिलिंग मशीन और ड्रिल प्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल मशीन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर्मिंग एंड फिनिशिंग होल. नॉट फिनिशिंग होल, इट्स क्रिएट ऑल्सो क्रिएट होल्स एज इट क्रिएट होल्स एज ए ड्रिल होल आफ्टर द फिनिश वर्क डन बाय द रिमर टूल. ओके, द यूनिट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए स्पिंडल विच टर्न्स द टूल कॉल्ड ड्रिल. दिस इज द स्पिंडल, this is the spindle which turns or clockwise motion, give a motion or angular motion that is in clockwise. Okay, that is in clockwise. You can turn it also reversely, but actually what happened, the spindle rotates in clockwise. So another one is this, in this spindle a drill bit adapter or the drill socket is fitted. A work table which holds the workpiece rigidly in position. This is work table which is, you can also move it up and down or give it to the slider motion, or horizontally you can move it, traverse the column. This is a column and this is a traverse. You can move it traversely along the column. So यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये ड्रिल हेड है. ठीक है, बेंच ड्रिल. अगर बेंच ड्रिल एक्चुअली इसका तो यहाँ पे बेंच ड्रिल ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली ड्रिल मशीन का पिक्चर फिगर दिया गया है. तो ये आपका ड्रिल हेड है. ठीक है, ये स्लीव है, स्पिंडल यहाँ पे होता है जैसा नॉर्मली देखते हैं मशीन का. पीछे तरफ यहाँ मोटर लगा हुआ है. दिस इज मोटर. ओके, दिस इज मोटर. ये मोटर ट्रांसमिट वेल से ये कवर है. ठीक है, दिस इज अ कवर पार्ट जो कि ढका हुआ है. इसमें बेल ड्राइव और पुली लगे हुए हैं. ओके, तो उसमें से स्पिंडल में पावर ट्रांसमिट हो रहा है मोटर से और स्पिंडल को घुमा रहा है. स्पिंडल में क्या होता है, ड्रिल बिट सॉकेट फिट होते हैं और ड्रिल बिट सॉकेट में ड्रिल बिट फिट होते हैं और फिर नीचे आप टेबल में यहाँ पे वाइस रख के, बेंच वाइस और टेबल वाइस रख के इसको जॉब को फिट कर सकते हैं और होल कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली. नेक्स्ट आते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. वर्किंग प्रिंसिपल कुछ नहीं, बस इसमें जो बिट, जो ड्रिल बिट है आपका, दिस इज योर बिट व्हिच इज बेसिकली मेड ऑफ एचएसएस और एचसीएस, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील. इफ यू यूज द मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, जो आप ड्रिल करने जा रहे हैं मटेरियल को, वो मटेरियल आप एचसीएस एचएसएस का यूज कर रहे हैं, देन इज सीमेंटेड कार्बाइड टिप्ड टूल यूज किए जाते हैं. ठीक है, कार्बाइड टिप्ड टूल यूज किए जाते हैं उसके लिए. तब आप नॉर्मली माइल्स एमएस के लिए एचसीएस एचएसएस इज द प्रेफरेबल. ओके, तो दिस इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल. एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल इज द कटिंग एज. बेसिकली दिस इज द कटिंग एज व्हिच बेसिकली एंगल मेड 118 डिग्री, 118 डिग्री एंगल मेड मेक करता है. ठीक है, जो बेसिकली ट्विस्ट ड्रिल का एंगल होता है. तो द रोटेटिंग एज ऑफ द ड्रिल एग्जर्ट्स ए लार्ज फोर्स ऑन द वर्क पीस. अब जो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एज जो रहता है, जो एज इसका इस तरीके से जो रहता है, ठीक है, इस तरीके से जो एज रहता है, ये लार्ज फोर्स एग्जर्ट करता रहता है जॉब के बीच में. ये उसका अगर देखा जाए तो अगर ड्रिल बिट को अगर इसे रखेंगे, ठीक है, और इसे रखेंगे तो जो व्यू क्रिएट होगा, दिस इज द व्यू. ठीक है, ये आपका इसका एज है. ठीक है, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसका अगर जिस तरीके से देखेंगे आप, इसका अगर ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो टॉप व्यू होगा, अगर इसको नीचे
जमीन में रख के आप टेबल में रख के देखेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो ये आपका एज जो है बहुत ही, इसी के कारण मेटल कट होता है, मेटल रिमूव होता है और होल क्रिएट होता है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्चुअली। ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल ब्लाइंड एंड थ्रू होल्स इन वर्क पीस। ओके, नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो ये कलम देख रहे हैं, जो स्टैंड और कलम देख पा रहे हैं, दिस इज अ कलम। ये कलम क्या होता है, बेसिकली कास्ट आयरन का बने होते हैं, ठीक है। दिस इज मेड विद कास्ट आयरन और रॉट आयरन एंड थिंग एल्स, बेसिकली कास्ट आयरन से बना होता है। हाई एब्रेसिव, मतलब सॉरी नॉट एब्रेसिव, इट्स हाई रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस होने के लिए इसको आपका जो ये है इसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है, मेटेरियल से, क्योंकि शॉक्स एब्जॉर्ब कर सके, जो थ्रस्ट मिलता है, जो फ्रोस, क्योंकि ये जो ड्रिल बीट आप ड्रिल इसमें होल करने जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस को करने जाते हैं, मटेरियल को होल करने जाते हैं, तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिल बीट को एक रिएक्शन फोर्स मिलता है जो थ्रस्ट देता है, ऊपर तरफ कैरी होता है, स्प्रेड हो जाता है पूरे एरिया में। तो इसीलिए इसको बेस जो है और कलम जो है कास्ट आयरन से, स्टील्ड कास्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो द मशीन हैज ओनली ए हैंड फीड मैकेनिज्म। ओके, दिस इज हैंड फीड, बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन बेसिकली ज़्यादातर उतना तो नहीं होता, बस होता है कंप्यूटर अभी तो आ गया है, ठीक है, लेकिन जो अभी अभी भी मिलता है वर्कशॉप में अवेलेबल है, बहुत सारा मशीन जो इंडस्ट्री में भी है, बेसिकली हैंड फीड है, मतलब आपको कितना डेप्थ चाहिए, कितना आपको देना है, रिट्रैक्ट करना है देना है, रिट्रैक्ट करना है देना है, ह्यूमन से भी होता है, मैनुअली आप कर सकते हैं। अभी तो आ गया है CNC, लेकिन 90% 90% से ज़्यादा बोलेंगे तो वो हैंड मैनुअली फीडेड मैकेनिज्म का ही ड्रिल आपको देखने को मिलेगा। द मशीन हैज ओनली ए हैंड फीड मैकेनिज्म फॉर फीडिंग द टूल इन टू द वर्क पीस। दिस एनेबल्स द ऑपरेटर टू फील हाउ द ड्रिल इज कटिंग एंड अकॉर्डिंगली ही कैन कंट्रोल द डाउन फीड प्रेशर। ओके, कितना प्रेशर चाहिए वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा फील कर सकता है ना, हम सेंस, देखिए सेंस कर सकते हैं कि हाँ इतना प्रेशर उसमें दे रहे हैं, उसमें तो थोड़ा घटाना पड़ेगा, तो इस टाइप का कुछ। सेंसिटिव ड्रिल प्रेसेस आर मैन्युफैक्चर्ड इन बेंच और फ्लोर मॉडल्स, ठीक है, बेंच और फ्लोर मॉडल्स में होता है, जैसे कि जो यूनिवर्सल रेडियल ड्रिलिंग मशीन होते हैं, ठीक है, वो आपका फ्लोर मॉडल होते हैं, फ्लोर में रखने के लिए। बेंच मॉडल भी है, छोटा छोटा ड्रिलिंग पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है, बेंच ड्रिल मशीन और पिलर ड्रिल मशीन, बेंच पिलर ड्रिल। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, द बेस ऑफ द मशीन में माउंटेड ऑन ए बेंच और फ्लोर, ठीक है, यू कैन माउंट इट on the floor, you can found it with the floor or with the bench. The main operating parts of a sensitive machine drill press are base, column, table and drill head. This is a base, this is a column and this is a drill head which covers with a motor and the pulley and belt drive which get out or which create spindle getting from which the spindle getting out from which the spindle getting out. Okay, this is actually, and this is a coil which this portion made the spindle goes to the down and up manually feed given by the operator. This is a spindle. Okay, चलिए next क्या है, bench drilling machine. बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, बेंच ड्रिलिंग मशीन बेसिकली दिस आर द स्मॉल ड्रिलिंग मशीन, नॉट हैव सम टू मच फीचर्स इन दिस मशीन। एक्चुअली बेंच ड्रिलिंग मशीन जो होता है बेंच वर्क के लिए होता है, छोटा छोटा ड्रिलिंग मशीन होता है जिसमें कि छोटा पार्ट्स को बड़ा बड़ा जॉब नहीं हो सकता, छोटा प्लेट को इसको ड्रिल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इज शोन इन द फिगर। This is used for light duty drilling work. This machine is enable capable of drilling hole up to 12.5 millimeter diameter. Okay, you can go, you got it that the capacity of being drilled the machine is 12.5. Motor ek lage hote hain, theek hai, electric motor whether it is three phase or single phase, induction or normal. तो मोटर लगे होते हैं जिसमें कि बेल ड्राइव पुलिस लगे होते हैं की से, और पुली ड्राइव से बेल ड्राइव से मोटर पावर ट्रांसमिट होता है, मोशन ट्रांसमिट होता है और स्पिंडल तक आता है। बेस बेग आपको देखने को मिलेगा, बेस है, ठीक है, उसके टेबल होगा, ठीक है, प्लानरी टेबल होगा, इसमें कलम कलम है, कलम में आपका एक लीवर है जिसमें आप
बेड को टिल्ट नहीं, बेड को आप मूव कर सकते हैं, रोटेट एट एन एंगल आप दे सकते हैं, नॉट एंगल मतलब अबाउट 360 डिग्री, रिलेटेड रिस्पेक्ट टू द, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम, अबाउट 360 डिग्री मतलब दिस टाइप। ओके, तो और क्या क्या है, बस यही सब है। ये हेड है, एक बेड है, बेस है, कॉलम है, मोटर है, ठीक है, दिस इज अ फीड हैंडल विथ थ्री लीवर। ओके, दिस इज अ बेंच ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट है कॉलम, देखते हैं तो एक एक पार्ट्स को जानेंगे। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज करते हैं। बेस क्या है, बेस इज द फाउंडेशन और बेस पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन व्हिच व्हिच कैरी ऑल द लोड और कैरी ऑल द ऑल इट्स मास अराउंड अलोंग विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ड्रिलिंग मशीन। तो फीड हैंडल मतलब फीड देने के, स्पिंडल को अप एंड डाउन करने के लिए। कॉलम क्या है, कॉलम जो है ये कॉलम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिस जो पूरा पूरी एक स्ट्रक्चर को मतलब हेड को टेबल को पकड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बेल्ट गार्ड, बेल्ट गार्ड दिस इज बेल्ट गार्ड, दिस इज कॉल्ड बेल्ट गार्ड, जो कि बेल्ट को कवर कर रखता है, कोई इंजरी ना हो, कोई अगर किसी का हाथ चलाया तो बेल्ट में फंस सकता है और इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट चाक क्या है, दिस इज चाक, ड्रिल चाक उसको बोलेंगे, उसके साथ की एक आता है जो कि अब इसको घुमा के की बिट को लगा सकते हैं, खोल भी सकते हैं। वर्क टेबल क्या है, दिस इज अ वर्क टेबल जिसमें आप वाइस को लगा के, ठीक है, टेबल वाइस को लगा के छोटा 4 इंच का वाइस या फिर हाँ नॉर्मली 4 इंच का वाइस ही लगाया जाता है, छोटा उससे भी छोटा होता है लेकिन 4 इंच का नॉर्मली वाइस मिल जाता है और लगाया जाता है, तो लगा के आप उसमें काम कर सकते हैं, दिस इज अ वर्क टेबल। ओके, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ओके, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन दैट इज सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, टारेट टाइप, जैसे टारेट वन मीन टारेट मीन्स द नंबर ऑफ ड्रिलिंग ड्रिल बिट यू कैन होल्ड विथ इट। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यू नो, आई होप यू ऑल गाइज नो दैट द रेडियल ड्रिलिंग मशीन विच इज अवेलेबल और अवेल्ड इन द वर्कशॉप, यू कैन होप यू कुड ऑल सी इट एंड इन द वर्कशॉप, लाइक जिसमें कि देख सकते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन है जो उसी को आप रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। रेडियल मतलब रेडियली हेड, हेड जो होता है रेडियली अप एंड डाउन करता है, हेड मूव करता है, अप एंड डाउन करता है, एंड 360 मूव करता है, दिस इज कॉल्ड अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस और कॉलम अलोंग द कॉलम, तो इसी इसीलिए बोला जाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। मल्टीपल स्पिंडल, स्पिंडल मल्टीपल होता है, जैसे गैंग को गैंग भी बोलते हैं, गैंग, ठीक है, मल्टीपल स्पिंडल, एक साथ बहुत सारा स्पिंडल हो सकता है, ठीक है, घूम सकता है एक हेड में। डिफॉल्ट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक, दिस आर द टाइप्स, ओके, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, दिस इज अ न्यूमेरिकल कंट्रोल ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सीएनसी, ओके, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो नेक्स्ट वन, चलिए कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया, देखते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यू ऑल गाइज सॉ इट कि पोर्टेबल जो आपका हैंड ड्रिल होता है, जो पावर ड्रिल होता है, ठीक है, उसी को पोर्टेबल ड्रिल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं, आप घर जहाँ जहाँ जो काम में आता है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए कॉन्क्रीट ड्रिल बिट लगा के, आप नॉर्मली ट्विस्ट ड्रिल बिट लगा के, कुछ भी, ठीक है, मेटल मेटलिक वुडन वाला सब लगा सकते हैं। तो दिस आर द हैंडल, ड्रिल चाक, नॉर्मली एक सब में रहता है, ड्रिल हेड एक ही साथ 100 फीट आता है, बाकी कॉलम इसमें कुछ नहीं रहता है, बेस नहीं रहता है, टेबल नहीं रहता है, हेड नहीं रहता, हेड मतलब एक ही साथ फिट है, टोटल फिगर जो है इसका एक ही साथ फिटेड है, ठीक है, कंबाइंड। स्मॉल टाइप ऑफ, इज ए वेरी स्मॉल टाइप ऑफ ड्रिल मशीन, कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेंट यूनिट कैरिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर इनसाइड इट, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो जो इंटरनल जो आपका ये किया हुआ है, ठीक है, जो वाइंडिंग किया हुआ है, कॉयल वाइंडिंग किया हुआ है, तो उसी से चलता है और रोटेट करता है। यहाँ पे गियरिंग फंक्शन कुछ रहता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए और एक यूनिफॉर्म मोशन देने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन देने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, सेंसिटिव ऑफ बेंच ड्रिल, बेंच ड्रिल अभी बताया थोड़ी देर पहले, बेंच ड्रिल क्या है, छोटा लाइट वर्क करने के लिए, बेंच वर्क करने के लिए बेंच ड्रिल लगाए जाते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है, बताया कि जो वर्कशॉप में अवेलेबल है, बहुत सारा वर्कशॉप में होता है, अवेलेबल होता है, इसका काम बहुत सारा है, जैसे कि आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द कॉलम, इसको आप ये हेड को, बहुत सारा काम है इसका, बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि पिलर ड्रिल मशीन में होता है कि उसका हेड फिक्स रहता है, बेड मूव करता है, ठीक है, अलोंग 360, तो इसमें क्या होता है, इसका बेस फिक्स्ड है, बेड फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है,
फिक्स्ड, ओके दिस इज फिक्स्ड। तो इसका जो आपका हेड है, ठीक है, दिस इज हेड, रेडियल हेड, ये मूव करता 360 डिग्री, ये 360 डिग्री मूव करता है। और ये आपका जो ये टू एंड फ्रो मोशन देता है इधर, ठीक है, इस तरह का मोशन देता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, और ये फिर अप एंड डाउन भी करता है, जिसका स्पिंडल है अप एंड डाउन भी करता है। तो मतलब समझ लीजिए 360 डिग्री घूमेगा, प्लस ये जो हेड है ये ऊपर भी आ जाएगा और ये भी अप एंड डाउन करेगा, ये भी अप एंड डाउन करेगा, एंड ये भी अप एंड डाउन करेगा प्लीज। उसके बाद फिर इससे ये आपका जो हेड है ये भी टू एंड फ्रो मोशन देगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन यू कैन मेड और यू कैन गो फॉर विथ रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ओके। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का फंक्शन बहुत सारा है, तो उसमें से आप देख लीजिए। इसमें बेसिकली नॉर्मली जो थ्री फेज और बेसिकली थ्री फेज इंडक्शन मोटर फिट होते हैं, ऊपर में एक मोटर होता है इसको उठाने के लिए और नीचे करने के लिए, ठीक है, ओल्डेड वर्सन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये तो बेसिकली यहाँ पे एक मोटर होता है इसको ड्राइव कर, स्पिंडल को ड्राइव करने के लिए, यहाँ पे एक मोटर ऊपर में लगाया जाता है। अभी का जो आ गया है मॉडल वो ऊपर में मोटर है और छोटा सा मोटर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए और नीचे उतारने के लिए, डाउन करने के लिए उसको लगाया जाता है, और एक रैक लगा होता है, रैक के जरिए उसको उठाया जाता है एंड डाउन किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है, गैंग में वर्ड से आप पता चल रहा है, जो कि बेक फाउंडेड बेड रहता है, जो कि फाउंडेड बेड में नंबर ऑफ स्पिंडल्स लगे होते हैं, कॉलम्स में कॉलम्स लगे होते हैं, कॉलम्स में देखिए यहाँ पे फोर कॉलम्स आर देयर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे जो हर एक में एक एक हेड लगे हुए हैं और मोटर सेटअप है एंड स्पिंडल, एक दो तीन चार, चार स्पिंडल हैं, ठीक है। तो आप यू कैन सी कूलेंट बॉक्स, कूलेंट सप्लाई होता है, ठीक है, दिस इज कूलेंट बॉक्स, ओके। तो ये होता है गैंग मिलिंग, नंबर ऑफ मिलिंग, सॉरी गैंग ड्रिलिंग, नंबर ऑफ ड्रिलिंग प्रोसेस यू कैन मेड और यू कैन क्रिएट एट अ टाइम, नंबर ऑफ ड्रिल होल यू कैन क्रिएट एट अ टाइम, ओके। नेक्स्ट वन इज द टरेट टाइप ड्रिलिंग मशीन लाइन डायग्राम, ये वायर फ्रेम डायग्राम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, टरेट टाइप रैम है जो कि एरो साइड दिखा रहा है, इसमें आप पता चल रहा है कि ये अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करता है, एंड ये आपका ये भी रेल ऊपर अप एंड डाउन करता रहता है, ठीक है, मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करता है। तो बेड यहाँ पे टेबल जो है, जो कि बेड है, इसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, एंड ऑक्टागोनल टारेट यहाँ पे लगे हुए हैं, दिस इज ऑक्टागोनल टारेट, ठीक है, दिस इज ऑक्टागोनल टारेट, ऑक्टागोनल इज द एट साइडेड टारेट लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें टारेट मीन्स यू एंड द टूल होल्डर और द ड्रिल बिट होल्डर, नंबर ऑफ ड्रिल बिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट यू कैन होल्ड एट अ टाइम ऑन एज पर द नीड यू कैन ऑपरेट दोज ड्रिल बिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका टारेट टाइप ड्रिलिंग मशीन, ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट इज फॉलोड ड्रिलिंग मशीन, क्या क्या है आपका ड्रिलिंग है, सबसे पहले ड्रिलिंग ही बोलेंगे, ठीक है, रीमिंग होता है, बोरिंग होता है, काउंटर बोरिंग होता है, काउंटर सिंकिंग होता है, स्पॉट फेसिंग होता है, टैपिंग होता है एट लास्ट, ठीक है, देखते हैं, चलिए। ड्रिलिंग तो आपको पता है, ड्रिलिंग क्या है, ड्रिल करना, थ्रू होल करना, ठीक है, बोरिंग क्या है, बोर करना, इसमें ड्रिल बिट की जगह जो ड्रिल बिट एडेप्टर है उसमें बोरिंग टूल लगा दिए और आप यू कैन बोर इट एज वेल एज ड्रिल। तो काउंटर सिंकिंग क्या है, काउंटर सिंकिंग मतलब एक इस टाइप जैसे टूल है आपका ड्रिल बिट जैसे, उस टाइप का थोड़ा डेप्थ में कुछ स्क्रू होते हैं, काउंटर सिंक स्क्रू होते हैं, ठीक है, इस टाइप के कुछ स्क्रू होते हैं जिसको फिट करने के लिए, जिसको फिट करने के लिए आप काउंटर सिंक होल करना पड़ता है, ओके। तो ये हो गया काउंटर सिंक, थोड़ा सा होल करना कॉर्नर में चैम्फर करके बस। रिमिंग क्या है, रिमिंग एक टूल है जिसमें आफ्टर ड्रिलिंग मतलब होल को स्मूथन करने के लिए रिमर से रिमिंग किया जाता है, होल को स्मूथन करने के लिए, थोड़ा सरफेस को बढ़िया करने के लिए, ठीक है, करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग जैसे काउंटर सिंक मैंने बताया वैसे काउंटर बोरिंग में भी एक जैसे नॉट फिट होता है, ये जो होल है, ठीक है, ये होल में बीच में एक नाट आएगा, ठीक है, सॉरी बोल्ट, नाट नहीं, बोल्ट, बोल्ट फिट होता है, ठीक है, स्टार्ट बोल्ट फिट होता है, वो इसी होल में इस तरीके से फिट होगा, ओके, सॉरी फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने होल दिखाया, ठीक है, इसमें इस तरीके से आपका एक बोल्ट फिट होगा, स्क्रूइंग किया जाएगा उसको, इसीलिए काउंटर बोरिंग किया जाता है, ओके। जो फ्रंट टॉप
बोर थोड़ा सा डेप्थ में, थोड़ा सा इस तरह का कोई डेप्थ में अगर बोर करते हैं उसी को काउंटर बोरिंग बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना था, दिस इज दिस पार्ट एक्चुअली एक्चुअली माउस ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसे अलग अलग से ड्राइंग हो जा रहा है। टैपिंग क्या है? टैपिंग जो है, टैपिंग में बेसिकली टैप करना, ड्रिल होल्ड में इंटरनल थ्रेड क्रिएट करना इज कॉल्ड टैपिंग। ओके, थैंक यू।